हाथरस में नकली तेल बनाने वाली फैक्ट्री को किया सील। हाथरस के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने अवैध रूप से संचालित एक दर्दनाशक तेल बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी कार्रवाई में अवैध रूप से नकली तेल बनाने का मटेरियल पकड़ा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। आपको बता दें कि हाथरस के मोहल्ला रमनपुरा में पीपल चौक IDC मास्टर ऑयल नामक दर्दनाशक तेल बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जिसके बारे में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा को जानकारी मिली थी कि इस फैक्ट्री में वर्षों से अवैध रूप से नकली दर्दनाशक तेल बनाया जा रहा है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में दर्दनाशक तेल बनता हुआ पाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में बना हुआ तेल और उसको बनाने का रॉ मटेरियल भी बरामद हुआ, जिसका लाइसेंस भी वर्ष 2014 तक ही वैलिड था। लाइसेंस के नवीनीकरण का प्रूफ वो नहीं दिखा पाए। इसके अतिरिक्त फैक्ट्री मालिक जिस ब्रांड का तेल बना रहे थे उसका कॉपीराइट का प्रमाण पत्र भी नहीं दिखा पाए। तेल की सप्लाई दिल्ली एरिया में बताई जाती है, पर जिस हिसाब से रॉ मटेरियल पाया गया उस हिसाब से इसकी सप्लाई अन्य राज्यों में भी होती होगी। एक शीशी की कीमत 145 रुपये है, जिसके चलते ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने फैक्ट्री को सील कर दिया है और फैक्ट्री मालिक को वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। अगर वह इन 7 दिनों में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो फैक्ट्री को अस्थायी रूप से सील कर दिया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हाथरस। पीपल चौक है, यहाँ पर किन्हीं के द्वारा एक IDC ब्रांड का कुछ तेल, आयुर्वेदिक तेल बनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज मौके पर छापा मारा गया और मौके पर वो तेल बनता हुआ, काफ़ी मात्रा में बनता हुआ पाया गया। प्लस जो रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है बनाने का, वो भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पाया गया। जब जो फैक्ट्री मालिक है उनसे उसका लाइसेंस मांगा गया तो आज की तारीख में वो सिर्फ ऐसा लाइसेंस दिखा पाए जो 2014 तक ही वैध था। 2014 के बाद वो लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, उसके बाद उसका नवीनीकरण ये नहीं दिखा पाए, ना ही ये उस ब्रांड का कॉपीराइट का लाइसेंस दिखा पाए। तो उसी क्रम में दुकान को सील किया गया है, इनको समय दिया गया है। अगर ये 7 दिन के भीतर अपनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं तो इसको अनसील कर दिया जाएगा, और अगर ये नहीं दिखा पाते हैं तो नियमानुसार इनके खिलाफ एफ आई आर। क्या नाम है सर?